दार देवी स्टेशन के निकट कोटा मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला, जिसकी पहचान भवानी मंदिर निवासी शेखर कुमार के रूप में हुई। जीआरपी के हेड कांस्टेबल रामबाबू सिंह ने बताया कि आज रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना मिली थी कि एक शव स्टेशन के निकट पटरियों पर पड़ा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया। मृतक की जेब से मिले पर्स से उसकी पहचान हुई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतक शेखर कुमार के परिजनों ने बताया कि वह बुधवार रात्रि को इंटरसिटी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था, उसी दौरान वह ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। रात को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर दार देवी ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि किलोमीटर नंबर 904 के 11 पर एक डेड बॉडी पड़ी है, जो ट्रेन 12980 के ड्राइवर ने जरिए बाकी टाके बताया। उक्त सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक की डेड बॉडी मिली, जिनकी लाश का नक्शा मौका मुआयना कर तो उनके पैंट की जेब में एक पर्स मिला, जिसमें नगद 1530 रुपये और आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, एक डीएल ड्राइविंग लाइसेंस और दो विजिटिंग कार्ड मिले। सर, क्या नाम था और कहाँ के रहने और उधर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इस पर आधार कार्ड पर इनका नाम शेखर कुमार सनौत रामनाथ प्रसाद निवासी भवानी मंडी अंकित था, और जिनके दो विजिटिंग कार्ड थे, जिन पर स्वयं का नंबर और उनके भाई का नंबर था। उनके भाई के नंबर पर कॉल किया एवं हालात बताए तो उन्होंने बताया कि रात को ये ट्रेन इंटरसिटी से दिल्ली जा रहे थे, तो हो सकता है कि गेट पर बैठे हों और गिरने के कारण से मृत्यु हो गई। ये बड़े भैया मेरे शेखर कुमार नाम है इनका, रामनाथ प्रसाद पापा का नाम है। ये ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली जा रहे थे, तो पाँच हाथी बज गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो एकदम से कैसे मतलब धक्का लगा ट्रेन में? पता नहीं सर, मेरे को तो पुलिस वालों ने फोन किया, 7:30 बजे पुलिस वालों ने फोन करके आपके भैया गिर गए, जाओ आ जाओ। क्या लगता है आपको, किसी ने धक्का दिया या फिर? नहीं, गिर गए, फंस गए होंगे हाथ से ही, या फिर सकते इसके अंदर।